हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सोलर सेल। ये आपके असाइनमेंट में भी आया है। क्वेश्चन नंबर है इलुस्ट्रेट विथ डायग्राम एनी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स हमें कोई ऐसा अल्टरनेटिव सोर्स एनर्जी का बताना है जिस जो अल्टरनेटिव सोर्स ऐसा हो जो एनर्जी जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ले, सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। वी नो दैट एनर्जी इज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। मीन्स एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ओनली वी कैन चेंज इट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसको वन फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो सेम हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसी के बारे में इस क्वेश्चन में दिया भी है और हमें इसको समझना है। सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल इस तरह के छोटे छोटे सेल होते हैं, कनेक्ट करके एक पैनल बनाते हैं और ये पैनल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। उस पैनल से ये वाला पैनल कनेक्ट हो जाता है। अब इस तरह क्या करते हैं हम, इसके द्वारा एनर्जी बाहर प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जैसे सन की लाइट पड़ती है तो सन की लाइट को ऑब्जर्व करता है और सन की लाइट को ऑब्जर्व करके और इसमें सिलिकॉन लगा होता है जो सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर कवर को होता है वन साइड से एनर्जी ले, मतलब उसको एक तरफ से लेकर के स्टोर किया जाता है। जब तक उधर से हम उसके सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाते तब तक उधर में एनर्जी को रिलीज नहीं करता है। तो सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से होता है। तो सोलर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, अब मेथड देखिए। ऑन पुटिंग इन द सन वोल्टेज इंक्रीज इन ए सोलर सेल अप टू 1 वोल्ट। जैसे इनको हम इन द सन मींस धूप में सन की लाइट में रखते हैं तो ये क्या करता है, अपनी एनर्जी को इंक्रीज कितना कर लेता है, अप टू 1 वोल्ट। When we connect many cells in series or parallel, बहुत सारे सेल को यदि हम सीरीज या पैरेलल किसी भी सिस्टम में कनेक्ट करते हैं तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सोलर पैनल। ऐसी अरेंजमेंट को हम सोलर पैनल बोलते हैं। मीन्स बहुत सारे जब अरेंजमेंट हो जाते हैं ऐसे सोलर पैनल, ऐसे आप कहीं भी इधर विलेज साइड में जाते हैं कहीं कहीं भी बड़े बड़े इस तरह के पैनल लगे होते हैं, उनमें इसी तरह के छोटे छोटे पॉइंट ब्राइटनेस वाले होते हैं डार्क डार्क शेप के, ये सब मिला करके इनका अरेंजमेंट हो जाता है, ये सोलर पैनल होता है। और सोलर पैनल का ऑब्जेक्ट नहीं होता है एनर्जी को, इसके द्वारा बहुत सारे लोग अपना ट्यूबवेल चला रहे हैं। आप जैसे ही रूरल एरिया में जाते हैं गांव तरफ जाते हैं इस तरह का दिखाई देता है। व्हाई दिस वी कैन गेट एसेंशियल एनर्जी टू आवर डोमेस्टिक वर्क और एग्रीकल्चर वर्क। इनके द्वारा हम अपने डोमेस्टिक वर्क के लिए या कहा दिया जाए कि इसके द्वारा हम एग्रीकल्चर वर्क के लिए अभी इसका इतना यूज नहीं हो पाए, हम इंडस्ट्रियल वर्क कर पाए मीन लार्ज अमाउंट इसके द्वारा अभी हम नहीं फाइंड कर पाए क्योंकि धीरे धीरे इस पे अभी ट्रायल चल रहा है, लेकिन डोमेस्टिक यूज के लिए इसका यूज होने लगा। सिलिकॉन इज यूज टू मेक दीज सोलर सेल्स, इनको बनाने के लिए हम सोलर सेल सिलिकॉन का यूज करते हैं जो कि सेमीकंडक्टर है। शुरू में बताया किस तरह होता, इस तरह से आप सोलर पैनल को बना सकते हैं, ऐसे बना करते हैं ज्वाइन कर देते हैं और इनके द्वारा आगे इनसे एनर्जी प्राप्त कर पाते हैं और पूरा अपने घर को हम लाइटिंग कर पाते हैं। मोटर चला सकते हैं, फैन चला सकते हैं या अदर जो भी हमारे हाउस होल्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अपलेट्स होते हैं, उन सबको हम इनके द्वारा यूज कर पाते हैं। इस तरह से आपका असाइनमेंट जो अक्टूबर मंथ का आया है क्वेश्चन नंबर 4 को आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं ऐसा फिगर दे करके, या तो इसी को लिख सकते हैं या आप चाहें तो कोई अदर सोर्स से या ओन वर्ड में आप बुक को पढ़ करके उसमें कहीं पे सोलर कुकर का दिया। लेकिन सोलर कुकर के द्वारा एक चीज को आप ध्यान रखिएगा कि उसके द्वारा हम कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाते, उसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सारे एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके उसके द्वारा हम अपने फूड आइटम को प्रिपेयर कर पाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि हम उसमें से इस बात को ना डालें कि सोलर कुकर हमारा सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओनली सोलर पैनल और सोलर सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी
सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट नाइदर सोलर कुकर कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सोलर कुकर ओनली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू हीट एनर्जी. इस तरह से आप लोग अपना अक्टूबर मंथ के असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 जो फिजिक्स पार्ट का, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. और फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप लोग आकर के स्कूल में डायरेक्टली मिल सकते हैं मुझसे और अपनी बात को पूछ सकते हैं कि कैसे इसमें से क्या प्रॉब्लम्स आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, आप उसको हम सॉल्व कर देंगे. ओके, थैंक यू.